उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा आज नैनीताल से देहरादून जाते समय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अप्लायंस एसोसिएशन उत्तराखंड प्रांतीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह के निवास पर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं एवं समदर्शी संस्था के अध्यक्ष आरपी सिंह व सुरेश सिंह के द्वारा माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। वहीं आरपी सिंह ने वस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इसके साथ ही पहली बार वे उनके पहुंचने पर मीडिया से वह रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि आज देहरादून जाते समय पहली बार जसपुर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और उन्होंने कहा कि अब तक उत्तराखंड में 200 से अधिक कैंप लगाकर केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की योजनाओं को वह जन जन तक पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। जसपुर से डॉक्टर गुलाब सिंह राणा के साथ प्रदीप श्रीवास्तव। तो अनुसूचित जाति के अंतर्गत जो है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं, जिनमें जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का न्याय नहीं मिल पाता है। उनके सार्वजनिक विकास के लिए कोई योजनाएं संचालित नहीं होती है। भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो केंद्र से पोषित योजनाएं चलती हैं, उन योजनाओं का धरातल में उन लोगों को लाभ प्राप्त नहीं होता है। उसको प्रत्येक पहलू को जांचने के लिए और उन लोगों तक पहुंचने के लिए आयोग का प्रथम कर्तव्य है। उस कर्तव्य के अंतर्गत आज मैं जसपुर में भी आया हुआ हूँ। जसपुर में भी मैं चाहूँगा कि लोगों की जो समस्याएँ हैं उनको मैं देखूँ और उनका निराकरण करने का प्रयास करूँ। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति की स्थिति बहुत ज़्यादा चिंतनीय हो गई है। चिंतनीय इस क्रम में हो गई है, पहाड़ में जातिवाद बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच चुका है। बहुत सारी हत्याएं हो चुकी हैं, उसको लेकर के सरकार को गंभीरता से इस पर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि इसको राजनीति से ऊपर उठ करके मानवतावादी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। हालात ये हो गए हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में लोग अपनी ज़मीनें बेच करके बेघर होने जा रहे हैं। उसके पीछे सरकार की स्पष्ट मंशा यह दिखती है कि पहाड़ में किसी भी न किसी तरीके से अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो पलायन न करें। पलायन करने का मेन है 143 के जरिए वहाँ के लोगों की ज़मीनें बेची जा रही हैं, जिसके लिए आयोग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। हमने प्रत्येक तहसील में जाके पाटी तहसील होगी, चंपावत होगी, दोहाघाट हो गया आपका, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, यहाँ तक कि धारी में भी हमने देखा कि वहाँ लोग पूरे गाँव के गाँव खाली हो चुके हैं। इसके लिए सरकार को ठोस कानून बनाना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए आयोग कटिबद्ध है, निरंतर प्रयास किए जाएंगे इस पर।